ये देखिए, डॉल वाली टॉय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 32 फंदे डाले हैं और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बीनते हुए मैंने 4 सिलाई बीना, जिससे कि दो धारियाँ बन गई हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 4 धारियाँ वाइट की बनाई है। फिर ये स्किन की जो है हमने 1 2 3 4 5 6 रो बनाई है स्किन कलर की जो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड के 16 धारियाँ बनाई है। 16 धारी बनाने के बाद जो है यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 6 लाइन पे ये हमने यहाँ पे ये फंदे उठा लिए, एक एक वी में हमने ये उठा लिया इस तरह से करके, और यहाँ पे हमारे 32 फंदे उठ गए हैं। अब यहाँ से ये जो है हमारा, फिर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो जो है हमारी ये स्किन कलर के बनाया है, जो कि ये हमारा फेस बनेगा। और फिर यहाँ पे 8 रो जो है हम ये सिर की टोपी का पोर्शन या हेड की पोर्शन ये हमने बनाया है। अब आइए इसको हम स्कर्ट बनाना इसमें देखते हैं। ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा और इसको है यहाँ पे हम जो है फंदे बढ़ाते हुए हम इसमें 51 फंदे कर लेंगे। इसको बनाने का तरीका देखिए, इसमें फर्स्ट रो है जो पहला फंदा हम बीन लेंगे सीधा, फिर दूसरा फंदा एक फंदा हम आगे से बीनेंगे और इसी फंदे को एक बार पीछे से बीनेंगे। इस तरह से एक फंदे का ये दो फंदे हो जाएंगे। फिर एक फंदा बीन लिया, फिर दूसरा फंदा मेरा है एक बार आगे से और एक बार पीछे से, फिर एक फंदा बीना, फिर एक फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से। इसी तरह से एंड तक हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे देखिए 51 फंदे हो गए हैं। अब ये हमारा पहली सिलाई बन के दूसरी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। अब ये हमारी थर्ड रो आ गई, उसमें हमने एक फंदा बीना था और एक फंदे का दो फंदा। अब हम दो फंदे बीनेंगे सीधा और फिर तीसरे फंदे में एक आगे से और एक ये पीछे से बनेगा, फिर दो फंदे बीना, फिर तीसरे को एक आगे से और एक पीछे से। यहाँ पे आप जाली भी डाल सकते हैं जो कि वो भी सुंदर लगता है। फिर दो फंदा बीने हमने, तीसरे फंदे को एक आगे से और एक ये पीछे से। इस तरह से जो है हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये मेरी जो है फोर्थ रो आ गई। फोर्थ रो बैक साइड से उल्टी तरफ से पूरा सिलाई उल्टी उल्टी बन जाएगी। अब हम फिफ्थ रो पे आते हैं। अब यह हमारी फिफ्थ रो में मैंने पहली बार एक बीना था और एक फंदे के नेक्स्ट फंदा जो एक आगे से और उसी फंदे को पीछे से। फिर जो है तीसरी रो में हमने क्या किया था कि दो फंदे बीना, फिर तीसरे फंदे को एक फंदे को आगे से और उसी फंदे को पीछे से। अब जो है हम तीन फंदे बीनेंगे, 1 2 3 तीन फंदे बीनने के बाद चौथे फंदे को उसी फंदे को एक बार आगे से और एक बार पीछे से। फिर यहाँ पे तीन फंदे बिना, 1 2 3 फिर उसको एक बार आगे से और एक बार पीछे से। इसी तरह से 1 2 3 बीनने के बाद एक फंदा उसी आगे से उसी फंदे को एक बार पीछे से। इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड से पूरी उल्टा उल्टा बिनाएगा मेरा। अभी छठवीं सिलाई उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा बीन जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा उल्टा बीनेंगे दो धारियाँ और उसके बाद ये पूरा बंद कर देंगे दोनों साइड से उल्टा उल्टा, आगे से भी पीछे से भी। अब यहाँ पे हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं।
ये देखिए, ये उल्टा उल्टा बीनते हुए हम इसको बंद कर देंगे सभी फंदे। ये देखिए इस तरह से सुंदर सी इसकी स्कर्ट बन गई डॉल की। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और आँख और फेस का पोर्शन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूरी सिलाई करते हुए फिर हम इसके गर्दन का शेप देंगे और एक एक स्टिच से हम फंदे उठाएंगे सिल्क सुई में और पूरा सिल करके उसको टाइट कर देते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सुंदर इसका गले का शेप आ जाता है। और फिर इसके बाद इसका हाथ का और पैर का शेप देंगे और इसको डेकोरेट करेंगे, आँखें नाक और उसमें थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए थोड़ा फाउंडेशन वगैरह लगा के इसको हम डेकोरेट करेंगे, हेयर लगाएंगे। आइए इसको हम आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पीछे का थोड़ा सा बड़ा लेंगे, आगे का छोटा लेंगे, फिर उसके बाद कैंची से काट के इसको हम सेट कर लेते हैं। ये है और इस तरह से जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरी सिलाई करते हुए इसमें हम ऐड करते जाएंगे।